जिला टीबी अस्पताल में वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर कसी डोगरा मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को तब व लक्षणों के बारे में जानकारी दी गई। सीएमओ ने कहा कि टीबी का इलाज पूरी तरह से है, इसके लिए सरकार द्वारा हर अस्पताल में मुफ्त दवाई उपलब्ध है। इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारी इंडिया में भी है 6000 से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी लग जाती है इन इंडिया में, और एवरीडे 600 से भी ज़्यादा लोग डेथ हो जाती है ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस के। और अगर मुझे बोलते हैं यहाँ पे 3 मिनट हुए हैं तो इसका मतलब 2 लोगों की ऑल ओवर इंडिया में मौत हो गई होगी इस ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। इसलिए ये अवेयरनेस के बारे में, तो ट्यूबरक्लोसिस जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़, मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ बोल रहा हूँ, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ का मेन मतलब हो गया कि ये डिजीज़ है वो हवा में ड्रॉप हो जाते हैं, और इस केस में जो उसके सराउंडिंग में जो पेशेंट्स होंगे या सराउंडिंग में जो लोग होंगे लगभग 4 मीटर के दायरे में जो इसका ज़्यादा रिस्क रहता है, वो अगर इसको इन्हेल करेंगे तो ये बैक्टीरिया उनकी बॉडी में अंदर चला जाएगा और लंग्स में जाके इन्फेक्शन कॉज क्रिएट कर देगा। और ऐसा माना जाता है कि जनरल पब्लिक में होने का, और उसमें से जो 5% लोगों का है उनको तो ये डिसीज 3 या 4 साल के बीच में हो जाएगी, और नेक्स्ट 5% को मतलब चांसेस रहता है। जो प्रोग्राम है वर्ल्ड टीबी डे, ये एक ऐसा एक अवेयरनेस ट्रेंड मतलब है। बेसिकली क्या होता है कि हर चीज़ जो है आज की डेट में आईसी एक्टिविटीज़ होती है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, तो हम आज के दिन में ये जागरूकता फैला रहे हैं पब्लिक में ताकि लोगों को पता चले बीमारी कैसी है। लाखों लोग इस बीमारी से पहले मरते थे, तो लाखों जब मरते थे तो हम चाहते हैं, हमारा डिपार्टमेंट का नाम ही हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, हम चाहते हैं लोगों की सेहत बढ़िया रहे। उसी पहलू में एक ये कड़ी है हमारा, ये जो हॉस्पिटल है RNTCP एक नेशनल लेवल पे प्रोग्राम है ताकि जो डेथ है टीबी की वजह से ना, उसी की अवेयरनेस आज जागृति कुछ हमारे स्पीकर्स बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे, उसके बारे में लोगों को जागृति देंगे, लोगों को पता चले कैसे इसे बच सकते हैं, कैसे बेसिकली डेवलप कंट्रीज में तो काफ़ी इसकी जो डेथ्स होती हैं वो कम हो गई हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डेथ्स अभी भी होती हैं। इसीलिए हमारा जो है पूरे एरिया में, जैसे DTO उधमपुर की बात करेंगे उसका चार्ज भी अभी मेरे पास ही है, यहाँ पे पोस्ट खाली है, तो जितना भी डिस्ट्रिक्ट है दोनों डिस्ट्रिक्ट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट रियासी में इस डिफरेंट लेवल पर ये सेंटर्स बने हुए हैं इसके, ताकि हर जगह इसकी छानबीन हो। जैसे हमारा आशा वर्कर्स हैं, तो आशा वर्कर एक सोशल हेल्थ वर्कर है, उसके माध्यम से भी उनको इंसेंटिव रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। हमारे 36 में फार्म लंग एरिया में लिटरेसी बहुत है, और अभी बेसिकली खाली इसी माध्यम से नहीं, हर माध्यम से हम प्रेस की भी हेल्प चाहते हैं इसमें, हम लोगों की जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनकी मदद भी चाहते हैं, जितने सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी मदद चाहते हैं, जितने NGOs लोग हैं उनकी मदद चाहते हैं, बेसिकली ये टीम एफर्ट है।